हमें मिल चुके हैं हमारे सैफ भाई यहाँ पर। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर इसलिए पहनती है ताकि पता चले वो शादीशुदा है, और मर्द हजरात इसलिए नहीं पहनते उनकी शक्लों से पता चल जाता है। दवाई है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। और आज हम जाने वाले हैं जश्न रेखता के इवेंट में जो कि हो रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। मैं और मेरा फ्रेंड मोहम्मद, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, वो अभी आ ही रहा होगा। तो जी हाँ, बुक करते हैं कैब जल्दी से और देन मिलते हैं आपसे डायरेक्टली कैब में। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं अभी कैब में और अब जा रहे हैं यहाँ से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि है इंडिया गेट के काफ़ी पास में ही है। वो हमारे मोहम्मद भाई हमको ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद भाई ही मुझे वहाँ ले जा रहे हैं क्योंकि इनको शेर व शायरी का बहुत शौक है, ये खुद भी लिखते हैं। अभी ये ज़्यादातर नौहे और कसीदे सलाम ये लिखते हैं, और फिर इंशाल्लाह आगे प्लान है मोहब्बत भरी शायरी भी करने का। तो यार मोहम्मद भाई कुछ एक शेर सुना दीजिए यार, अच्छा सा कोई बढ़िया जॉन एलिया साहब का कोई एक शेर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। जॉन एलिया साहब का शेर कि उनके ही अंदाज में सब, हाँ उनके ही अंदाज में, यारों एक शेर सुनो। हाँ, सब दलीलें तो मुझको याद रही। हाँ, सब दलीलें तो मुझको याद रही, बहस क्या थी उसी को। आए हाय, बहुत अच्छा। तो ये हमारे मोहम्मद भाई, उनको बहुत शौक़ है शेर व शायरी का। हमारे उसमें साहब दोस्त, उनको भी बहुत शौक़ है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं है, वो बेंगलोर में है, ही इज़ डूइंग जॉब देयर। तो ये है, चलते हैं अब यहाँ से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम डायरेक्टली, मिलते हैं आपसे वहीं, जब तक आप देखिए दिल्ली के नज़ारे। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे जश्न रेखता के लोकेशन पर, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अंदर है। यहाँ से ये है गेट नंबर 4, गेट नंबर 3 से भी एंट्री है, ये है गेट नंबर 4। यहाँ से भी अंदर जाना है, फिर जाकर के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन, और ऑडिटोरियम में चलते हैं फिर। गाइज, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, हमें मिल चुके हैं हमारे सैफ भाई यहाँ पर, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, कोई प्लान्ड नहीं था, ये प्लान्ड इनकी एंट्री नहीं हुई है ब्लॉग में, बट ये मिल गए हमको लोकेशन पर। अब यहाँ से चलते हैं अंदर, ये है इसका रास्ता जश्न रेखता का। जगह जगह पे ये आई थिंक पास के लिए, ये स्कैनर इधर ही, लेकिन अंदर जा कर के ही मिलेगा एंट्री। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और एंट्री पास लेते हैं। हमारे पास टिकट ऑलरेडी बुक था, वो हमने बुक किया है बुक माय शो से, वो कलेक्ट करते हैं, रिस्ट बैंड लेंगे और फिर चलेंगे अंदर। तो गाइज़, ये है एंट्री पॉइंट और यहाँ पे ये बॉक्स ऑफिसेस बने हुए हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्ड है आपका टिकट, तो आप यहाँ पे आ करके अपना रिस्ट बैंड कलेक्ट कर सकते हैं। इधर ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए है, और इधर जनरल जो भी आ रहा है उसके लिए है। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है, इसमें जाना है हमें अंदर। तो चलते हैं, रिस्ट बैंड लेते हैं और फिर मिलते हैं डायरेक्टली अंदर। अभी हमको ये बुकलेट मिल गई है टिकट जो हमने बुक करे थे उसके लिए। रिस्ट बैंड्स मिल गए, ये हैं रिस्ट बैंड्स मिल गए हैं दोनों लोगों के लिए। ये आप दिखा, आपको यहाँ से बॉक्स ऑफिस से आ करके अपना रिस्ट बैंड कलेक्ट करना रहेगा। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो फिर आपको एंट्री आप अंदर ले सकते हैं। तो हम ये पहनते हैं रिस्ट बैंड्स और चलते हैं अंदर। यहाँ पर चेकिंग हो रही है हमारे रेस्ट बैंड की, सैफ भाई आगे हमें लीड करते हुए। सैफ भाई, रेस्ट बैंड मिल गया आपको? आहा, भाई भी है, भाई भी है, बहुत सही यार। हमारे पास ये है ऑलरेडी, भाई हाय बोल दीजिए ब्लॉग को। थैंक यू। तो गाइस, हमें रेस्ट बैंड पहन लिया और हमारे एक और भाई मिल चुके हैं हमें। भाई, आपने भाई को देखा होगा हमारे निज़ामुद्दीन वाले ब्लॉग में,
तो अब यहाँ से चलते हैं जल्दी से ऑडिटोरियम के अंदर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं इवेंट के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ये स्टॉल्स लगी हुई हैं, इधर आप देख सकते हैं पूरी ये स्टॉल्स, एटलीस्ट 25-30 ये स्टॉल्स लगी हुई है जिसमें आपको बहुत सारी शायरी की बुक्स और बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इधर भी शायरी की बुक हैं, इधर भी शायरी की बुक हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू जो भी बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइज एंट्री होते ही यहाँ पर ये लगे हुए हैं काइंड ऑफ बैनर्स, उसमें सभी पर तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ लिखे हुए हैं मीर तकी, मीर साहब के शेर, पर ऐसे बैनर्स बहुत ही दूर तक ये लगे हुए हैं और ये मोस्टली आई थिंक सारे ही मीर तकी मीर साहब के शेर हैं। सो गाइस दिस साइड वी हैव रेखता मर्चेंडाइज, यहाँ पे रेखता के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक टी शर्ट्स, बैनर्स और फोटो फ्रेम्स, वॉल हैंगिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि रेखता मर्चेंडाइज की हैं। एंड दिस साइड वी हैव ऑल द बुक्स जितने भी हैं पब्लिकेशंस, मोस्टली इधर बुक्स हैं ज़्यादातर सारे ही शायर की जो कि रेखता पब्लिकेशंस के थ्रू हैं, इधर वो स्टॉल लगी हुई है। इतना प्राइड फिल्म मेकर्स दुनिया भर के अपनी भाषा में लेते हैं, हमारे यहाँ जब हम बाहर बात करें हम हमेशा अपने आप को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करते हैं, सवाल पूछे भी अंग्रेजी में जाते हैं और जवाब भी अंग्रेजी में ही जाती है, तो वो एक चेन बनता है। अक्सर जब एक तरह का जैसे स्वागत ने उन्होंने लिखा खोया खोया चांद में, हम लोग महीने भर लगा था उस गाने को लिखने में, वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ शब्द और उसमें जैसे लव सुनिए कि जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही एक सिला, तो फिर क्यों नए नए से दर्द की तलाश में फिराक में उदास थे। इस लाइन को उतनी मिली थी कि नहीं, मतलब जो गाने चल रहे हैं मुझे लगता तो उस तरह का फिर पॉपुलरिटी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को जगह नहीं मिल पाई है तो यही खड़े होकर के सुन रहे हैं अनुराग कश्यप साहब का इंटरव्यू। ब्लॉग चल रहा है भाई। तो गाइज फाइनली अभी हम आ चुके हैं फूड सेक्शन एरिया में, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये सारी शॉप जो हैं लगी हुई है, यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, चिकन चिकन का भी स्टॉल है, हरा दरा स्टॉल है, बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट का भी लगा हुआ है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार देखते हैं कुछ खाने का क्या है, डाइटिंग भी चल रही है उसका भी ख्याल रखना है और कुछ खाना भी है, तो देखते हैं क्या मिलता है, कुछ लेते हैं मोहम्मद भाई कुछ लिया जाए यार भूख लग रही है बहुत। चिकन चलते हैं असलम चिकन, असलम चिकन खाएंगे भाई, असलम बटर चिकन यार देखते हैं, चलो बटर नहीं डलवाएंगे भाई थोड़ा सा डलवा लेंगे, तो खाते हैं कुछ बहुत देर भूख। तो गाइज हम बनवा रहे हैं चिकन कबाब ऑमलेट, भीग बहुत ज़्यादा है सारे ही स्टॉल्स पे और ये सर हमारे लिए बना रहे हैं चिकन कबाब ऑमलेट, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल हो रहा है हर जगह पे कुछ भी लेना, टोकन के लिए पहले लाइन लग रही है उसके बाद खाने के लिए लाइन लग रही है। ये हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट स्टॉल है यहाँ पर और बहुत ही अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ है सारा। ओ भाई भैया कबाब ऑमलेट
ये हो गया हमारा चिकन कबाब ऑमलेट रेडी, और सारी चीज़ आज पूरे डाइटिंग की पूरी वाट लगने वाली है। तो गाइज हमने ले लिया है यहाँ पर अपना चिकन कबाब ऑमलेट, और मोहम्मद भाई हमारे सपोर्ट करते हुए लाइट के लिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है। तो यार भूख बहुत तेज़ लग रही है, इसको फिनिश करते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर वापस इवेंट में। आई थिंक मुशायरा शुरू हो जाएगा, तब तक खाते हैं। अगर भूख लगेगी तो कुछ और भी लेंगे। मोहम्मद भाई ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, हम भी खाते हैं, देखते हैं पहले ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं कि हाउ इज इट। ये कबाब हो गया ऑमलेट चिकन, और जो है अच्छा है ब्रेड। यार भीड़ बहुत ज़्यादा है, वर्थ इट। जितने भी बड़े फूड कॉर्नर्स हैं ना, लाइक असलम बटर चिकन एंड अदर्स, अब तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हो। इसमें क्या है, प्लेस भी अच्छा है, बजट फ्रेंडली, एंड जल्दी मिल गया। सबसे मेन चीज़ ये है कि जल्दी मिल गया। तो यार अभी खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और भूख लगेगी तो कुछ और खाएंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, आज चीट मील हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं अंदर इवेंट में। तो गाइस यहाँ पे अभी मोहम्मद भाई ने भी ले लिया है रबड़ी और गुलाब जामुन हमारे कूल पॉइंट से। ये है यह स्टॉल, आप आकर के आप खा सकते हैं। और भाई को मीठे की भी क्रेविंग हो रही थी तो मीठा भी खाते हैं। खा तो नहीं रहे, अवॉइड कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोशिश कर रहा हूँ। आई होप जो जिम में मेरे भाई हैं जो मुझे मेरी हेल्प कर रहे हैं वेट लॉस करने में, वो ये वीडियो ना देखें ताकि हम खा सकें मीठा। यार एक दिन तो चलता है, एक दिन खा सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन का बनता है। तो खाते हैं गुलाब जामुन। और हम लेकर के आ गए हैं कूल पॉइंट से हमारा रबड़ी एंड गुलाब जामुन। एक काम करो ना, ये रबड़ी जो है इसमें डालो, पूरी डाल दो, और क्या यार, क्या मिला करके खा ले या गड़बड़ा करके तभी तो मज़ा आएगा। मोहम्मद भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दोनों पे गिराना अलग अलग। हाँ अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। गाइस देखो, आई एम वेरी सीरियस अबाउट डाइटिंग दीज डेज, बट यार इसके आगे मेरे से नहीं हो पाता है कंट्रोल। दवाई है मेरे को क्या मालूम मेरे पे कितना प्रेशर है, ये दवाई है। तो इन्जॉय करते हैं, बहुत हो गया मजाक। पुलाव सेंटर में थोड़ा सा भाई। वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इनके ऊपर सारा इवेंट करवाने का। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उस चीज को हैंडल करने का। सैफ भाई कैसा लगा आपको इवेंट में आकर के? क्या अभी बहुत अच्छा लगा? अच्छा तो लगा यार, अच्छा अभी लगा बस ये कि बार आए हैं तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा चौथी बार और क्या, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कि यहाँ इतना ज्यादा क्राउड होगा। और दूसरी चीज ये कि इवेंट ऑलरेडी थोड़ा लेट है, मुशायरे का प्रोग्राम अभी बाद में होगा आई थिंक। अभी ये साबरी ब्रदर्स का परफॉर्मेंस
ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है, इसके बाद आई थिंक मुशायरा स्टार्ट होगा, बट मुशायरे में काफी टाइम लगेगा। क्यों सर भाई? बिल्कुल मुशायरा तो रात भर चलेगा आई थिंक, मतलब रात भर तो नहीं लेकिन एक दो तीन घंटे तो चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, तो इसलिए हम मुशायरे के लिए तो नहीं रुक पाएंगे। तो गाइज ये अभी आपने देखा कि साबरी ब्रदर्स जैसे परफॉर्म कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्ट चल रहा है यहाँ पर। एक अकेला बंदा मुझे इस लाइक जो बंदा एक्ट कर रहा है इसका प्रॉपर नाम नहीं पता है, बट ये पता है कि ये बहुत अच्छा एक्टर है और इसका कॉमेडी स्किल्स स्पीच बहुत अच्छा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए और इन्जॉय करिए। उसके बाद फिर लेंगे यहाँ से विदा, ऑलरेडी 8 बज रहा है तो लेट हो गया है, तो जल्दी से चलेंगे यहाँ से घर। मुशायरे का प्रोग्राम में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और प्रोग्राम भी लंबा चलेगा, तो इसलिए हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको एक्ट, उसके बाद लेते हैं आप सबसे विदा। वैसे चाय बहुत सारी होती है, काली चाय, फीकी चाय, ग्रीन टी, मसाला चाय, चॉकलेट चाय भी होती, उसी तरह इंसानी रिश्तों के भी बहुत सारे नाम और रंग रूप होते हैं, और मेरा फेवरेट और सबसे खतरनाक रिश्ता है वो शौहर बीवी का रिश्ता। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर इसलिए पहनती है ताकि पता चले वो शादीशुदा है, और मर्द हजरात इसलिए नहीं पहनते उनकी शक्लों से पता चल जाता है। कहते हैं कि बीवी से इश्किया गुफ्तगू करना ऐसा ही है जैसे इंसान वहां खारिज करे जान ना हो रही। इसमें चुपते ही कहती है कि मर्द जो है और औरत अगर भेष बदल कर आ जाए ना तो उसका अपना शौहर भी उस पर आशिक हो जाता है। मंटो कहते हैं कि मर्द भी अजीब से है, वो बीवी में तवायफ वाली अदाएं और तवायफ में बीवी वाली वफादारी तलाश करता है। मुस्तफा हुसैन तहान कहते हैं कि लोग कहते हैं कि औरत राज रखना नहीं जानती, मैं कहता हूं कि औरत अगर राज रखना छोड़ दे तो समाज में कुछ मर्द मुंह दिखाने के लायक ना रहे। गुर्बत के दिनों में बीवी को ऐसे रखा है जैसे मुकद्दस किताबों में मोर के पंख रखे जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी औरतें बड़ी मासूम होती हैं, वो हमें अपना शरीक हयात समझती है, लाइफ पार्टनर, लेकिन ये हयात ही जानती कि कौन कौन शरीक हयात है। मेरे दोस्त ने बताया कि यार मैं जो है बीवी से नहीं डरता, बस मेरी नहीं होनी चाहिए। उसे कह रहा है बीवी अगर गुस्से की हालत में हो ना भाई साहब तो शौहर को चुप रहना चाहिए। बोला फिर? बोले इसलिए मैं हमेशा चुप रहता हूं। एक बार कह रहे मैं बीवी से डरता नहीं भाई साहब, मैंने कहा स्टेटमेंट क्यों बदलते? बोले नहीं यार पिछले दिनों बीवी से किसी बात पे बहस हो गई, मैंने कहा कि आवाज नीचे। मैंने कहा फिर? मैंने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं होगी, नीचे आवाज। मैंने फिर? बोले फिर मैं जाग गया। असल में इतनी कस के उसने लात मारी कि मेरे साथ साथ मेरा जमीर भी जा गया। जमीर शेख मेरे 5 साल का छोटा बच्चा। तो गाइज अभी आपने देखा जो परफॉर्मेंस ये परफॉर्म कर रहा था, मैंने सर्च किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, इनका नाम है रहमान खान, ही इज वन ऑफ द कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, बहुत ही अच्छा एक्ट करते हैं। आपने मैं ऑलरेडी देखा होगा कि एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है यहाँ से चलने का, बज रहा है ऑलरेडी 8:15, तो ये अभी करते हैं यहाँ से उबर बुक करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर और फिर लेते हैं आप सबसे विदा। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी 1000 कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह आगे 10,000 और बहुत लंबी जर्नी जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे भाई का भी चैनल नॉट सो श्योर एमडी जो चैनल है भाई का, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैंने चैनल का लिंक भी वीडियो में डाल दूंगा मैं, और भाई की वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा देखिए, अच्छा कंटेंट आएगा और ज्यादा, अभी तो सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहे हैं और आगे वीडियोस भी आएंगी जल्दी ही। हम लोग कुछ और भी नया ट्राई करने वाले हैं व्लॉगिंग से हट करके भी, इंशाल्लाह वो भी आने वाला है, मैं और भाई कोलैबोरेशन में इंशाल्लाह वो चीजें करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेते हैं आप सबसे विदा, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।